हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले कॉइन डीसीएक्स के बारे में। कॉइन डीसीएक्स में पैसे को डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से पैसे को कॉइन डीसीएक्स एप्लीकेशन में कैसे डिपॉजिट करना है, सारा प्रोसेस इस वीडियो में सिंपल तरीके से जानने वाले हैं। इसके साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आपको इस तरह के टेक्निकल वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइज, आप सिंपल तरीके से कॉइन डीसीएक्स में डिपॉजिट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट कम्प्लीटली बना देना है और अपनी केवाईसी भी कम्प्लीटली कर देनी है। और फिर जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और जिस बंदे ने पहले इसको इंस्टॉल करके रखा है, यानी कि पुराना वर्जन है कॉइन डीसीएक्स का, तो उसको अपडेट कर देना है। अपने मोबाइल में सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है कॉइन डीसीएक्स। और कॉइन डीसीएक्स यहाँ पर टाइप करके आपको इधर से ये वाली एप्लीकेशन को अपडेट कर देना है। यहाँ से अपडेट करने से डीसीएक्स जो नया फीचर आया होता है और कोई भी नया डिपॉजिट के रिलेटेड अपडेट आया तो जल्दी से यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ से मैंने इसको अपडेट कर दिया। फिर इधर से इसको ओपन कर देते हैं यहाँ से ही। और जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको होम पेज पर ही रहना है। और जस्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, फंड वाला ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। सिंपल सा इधर से आपको फंड पर क्लिक कर देना है और फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा, दो ऑप्शन यहाँ पे शो होंगे, एक क्रिप्टो का और एक INR का, ठीक है ना। अगर आप INR इसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं, अपने बैंक अकाउंट के पैसे को डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो INR पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं विड्रॉ पर क्लिक करना है, डिपॉजिट करना चाहते हैं डिपॉजिट पर क्लिक करना है। सिंपल सा इधर से आपको डिपॉजिट पर क्लिक कर देना है और उसके जस्ट बाद में यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना अमाउंट डालना रहता है, कितना पैसा आप इसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं। इसके साथ में अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मिनिमम आप 100 रुपीज़ भी नेट बैंकिंग से इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप फ़ोनपे गूगल पे यूज़ करते हो और फ़ोनपे गूगल पे वाला ऑप्शन अगर आपके कॉइन डीसीएक्स में आ गया हो, जैसा कि देख लीजिएगा यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप इसमें मिनिमम 500 रुपीज़ इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। तो जैसे ही आपको यहाँ अमाउंट टाइप कर देना है, फिर आपको इधर से पे बाय जीपे पर क्लिक कर देना है और फिर आपका गूगल पे स्टार्ट हो जाएगा, फ़ोनपे तो फ़ोनपे स्टार्ट हो जाएगा। और सिंपल से वहाँ से कोड डाल के आप इसमें पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपके पास में और आपके कॉइन डीसीएक्स में ये फ़ोनपे गूगल पे वाला ऑप्शन नहीं आया है, तो आपको यहाँ पे एक नया फीचर अपडेट नेट बैंकिंग से करना रहता है पैसा इसमें डिपॉजिट। सिंपल सा देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ यहाँ पे टाइप कर दिया है। फिर आप कंटिन्यू पर जाकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इधर आपको फास्ट बैंक ट्रांसफ़र IMPS पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे एक अकाउंट नंबर रहेगा और एक IFC कोड रहेगा और आपका नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके ऊपर देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है ट्रांसफ़र टू दिस बेनिफिशियल, यूज़ कर सकते हैं IMPS ओनली, ठीक है ना। यानी कि अपने बैंक अकाउंट से IMPS के थ्रू इसमें पैसे को डिपॉजिट करना रहता है। इतना सब करने के बाद में आपको इधर से आई हैव पेड नो पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम रहा है जिसमें अपने को जल्दी से पैसे को अपने बैंक अकाउंट से इसमें ट्रांसफ़र करना रहता है। इधर से ओके पर क्लिक कर देना है। आपको अपने जिस भी ब्रांच में आपका खाता है उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है। जैसा कि अगर SBI में है आपका खाता तो योनो एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, एक्सिस बैंक में है तो एक्सिस बैंक की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देनी है और यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर देना है। और फिर आपको ये वाली एप्लीकेशन योनो अगर SBI तो योनो की एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है और वहाँ पे आपको एक प्रोसेस फॉलो करना रहता है पैसे डिपॉजिट करने का। और वो प्रोसेस आपको वापस कॉइन डीसीएक्स में ही देखने को मिलेगा। वापस आपको कॉइन डीसीएक्स ओपन कर देनी है और फिर आपको वापस फंड पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, इधर लिखा है हाउ टू डू बैंक ट्रांसफ़र लर्न पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सारी बैंक के बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। अगर किसी भी बैंक का यहाँ पे नाम नहीं है, बहुत सारी बैंक है जिसका नाम इसमें नहीं है इस लिस्ट में, तो आप डायरेक्ट बेनिफिशियल वाला ऑप्शन स्टार्ट करके इसमें पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके साथ में देख लीजिएगा, यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोटक महिंद्रा पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपके पास में कोटक महिंद्रा का अकाउंट है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस दिया है वो फॉलो करना रहता है। तो यहाँ पे ये वाला प्रोसेस अपन ने कर दिया, यहाँ पे पैसे भी डाल दिया था, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया था और जो मैंने कॉपी करने का बोला ये बैंक अकाउंट नंबर IFC कोड ये सारा कॉपी कर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, कॉपी करने का भी ऑप्शन शो हो रहा है।
फिर आपको कोटक महिंद्रा वाली जो एप्लीकेशन है इसको स्टार्ट करना है, अपना अकाउंट ऐड करना है। फिर देखिएगा यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है सबसे फर्स्ट में, फिर आपको यहाँ पे कोड डालना रहता है एम पिन, फिर यहाँ से सेंड मनी पर क्लिक करना है, फिर ऐड बेनिफिशियल अकाउंट यहाँ पे ऐड करना रहता है। यानी कि जो अभी अकाउंट नंबर कॉपी करना था जो कॉइन डी सी एक्स में था और नाम था अपना आई एफ सी कोड था वो सारा यहाँ पे ऐड करना रहता है, और फिर यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना रहता है जिसमें आप अदर बैंक कर सकते हैं, अदर बैंक, ठीक है ना। फिर सारा चेकअप कर देना है अपना अकाउंट नंबर कॉइन डी सी एक्स में जो है आई एफ सी कोड सारा, और फिर आप इधर से ये सारा प्रोसेस फॉलो करके इसमें पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। ये हो गया कोटक महिंद्रा का। अगर एसबीआई का है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एसबीआई का भी यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है, योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, बाद में ये सारा प्रोसेस यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया यहाँ पे, तो इसका भी यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया गया है। सिंपल तरीके से पैसे को यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, और जो भी पैसे आप इसमें डिपॉजिट करेंगे ये सारा पैसा यहाँ पे फंड वाला ऑप्शन में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से आपको मार्केट पर क्लिक करना है, और इधर से आप अगर आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉइन को यहाँ से बाय करके रख सकते हैं, और अगर आप यूएसडीटी बाय करना चाहते हैं तो आप सिंपल से इधर से आपको चर्च पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है टीथर, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लीजिएगा ये वाला जो है यहाँ पे यूएसडीटी वाला, ये बाय कर सकते हैं जिसमें अपना पैसा यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है पैसे डिपॉजिट करने का, और फिर भी आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।